हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? फिर से स्वागत है आपका नए वीडियो में, और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत खास होने वाली है। क्योंकि आज मैं बात करूँगा 4x8 की टाइल्स को केमिकल कैसे लगाएं, उसको कैसे लगाएं, और उसको टाइल्स लगाने के बाद वाइब्रेट कैसे करें। यानी कि कुछ लोग क्या रहता है कि टाइल्स बड़े साइज के लिए टाइल्स लगती है, लेकिन लगने बाद खाली रह जाती है, जगह से स्पेस में से खाली रह जाती है, और उसकी वजह से आने वाले समय में टाइल्स ब्रेकेज हो जाती है, टूट जाती है, या फिर हाथों हाथ कुछ समय बाद 1-2 घंटे बाद टूट जाती है। तो मैं आपको दिखाऊंगा वाइब्रेटर टाइल्स को कैसे करते हैं और टाइल्स में केमिकल किस टाइप से लगाना चाहिए। तो आज मैं एक साइट पे जाने वाला हूँ, एक साइट पे हमारा काम चल रहा है, एक साइट पे पहुंचने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मैं साइट पे चलूँ। गाइस, मैं पहुंच चुका हूँ साइट्स पे। आप देख रहे हो कि देखो कितना अच्छे से 3 बंदे टाइल्स पे गिरमाला से एडिसिव लगा रहे हैं, कितने अच्छे से फिलिंग कर रहे हैं, कितने अच्छे से उसको फिला रहे हैं। अब साइज टाइल्स का साइज बड़ा है, 8x4 का, 8x4 का साइज है, काफी बड़ा साइज हो गया। तो इसको अच्छे से बंदा, एक बंदा तो कर नहीं पाएगा, इसको एक बंदा पकड़ रखा है, 2 बंदे पीछे से इस पे केमिकल लगा रहे हैं, यानी कि एडिसिव अच्छे से लगा रहे हैं गिरमाला से। कैसे इसको देखो, आप देख सकते हो गिरमाला से कैसे इसको लाइनिंग दे रहे हैं और कैसे इसको फैला रहे हैं। तो ये मेन काम होता है कि गिरमाला से प्रॉपर तरीके से इसको केमिकल लगाया जाए। कैसे लगा रहे हैं देखो, कितने हिसाब से, ये नहीं कहीं ज्यादा लगा दिया जाए, कहीं कम लगा दिया जाए, पूरा प्रॉपर लेयर होने चाहिए इसकी। जितने एमएम की, 3 एमएम की होती है लगभग, तो पूरी प्रॉपर लेयर होनी चाहिए। अब इसके बाद देखो नीचे फ्लोर पे लगा रहे हैं, ये नहीं है खाली टाइल्स पे लगाना है, उसके बाद फ्लोर पे भी आपको केमिकल लगाना है। फ्लोर पर लगाने के बाद देखो पूरे अच्छे से बिछा दिया टाइल्स को। अब ये आई वाइब्रेट मशीन। आप देखो, ये देखो, आप देख सकते हो, अब ये ग्रीन से कलर की पकड़ रखी है इन्होंने, ये वाइब्रेट मशीन इसको बोलते हैं, वाइब्रेट मशीन। देखो ये आवाज देखो कैसे करते हैं, ये पूरा वाइब्रेट कर रही है टाइल्स के अंदर, जो केमिकल से जो हल्का फुल्का फिलिंग होने से रह जाता है ना, उसको प्रॉपर मात्रा में बराबर कर देती है ये, प्रॉपर तरीके से इसको। देखो आप देख सकते हो, ये देखो पास दिखाता हूँ, तो ये साइड्स में ये स्पेशल लगा रहे हैं। देखो ये उनके ठेकेदार जो है ये, और ये गिरवाला मशीन से इसको, सॉरी वाइब्रेटर मशीन से इसको अपना सेट कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी काम होता है, इसको वाइब्रेट करना बहुत जरूरी काम होता है। तो अब इसमें प्रॉपर तरीके से कर दिया ना वाइब्रेट करने के बाद, अब पूरा फिलिंग अच्छे से करने के बाद, अब साइड्स में बबल्स भी नहीं रहने चाहिए इसके अंदर, एंड जो साइड से खाली रहती है वो खाली भी नहीं रहेगी इस मशीन से, क्योंकि हथौड़ी से ठोकते हैं ना, रबड़ के हथौड़े वगैरह से वो वाली बात नहीं आती है। हालांकि लगाते टाइल्स हथौड़े से ज्यादातर, ये मशीन नहीं आई है, लेकिन इस मशीन का ये बेनिफिट है कि केमिकल प्रॉपर तरीके से टाइल्स के अंदर फैल जाता है, वो नीचे से टाइल्स खाली नहीं रहती है।